बाढ़ के कहर की यह है सबसे खौफनाक तस्वीर। ये तस्वीर है मौत के मुंह में समाने के करीब पहुंच चुके 300 लोगों की। जी, गंगा के बढ़ते जल स्तर से स्टीमर तेज बहाव में बहने लगा। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बीच गंगा में यह स्टीमर बहने लगा। कटिहार के मनिहारी से साहिबगंज जा रही स्टीमर में लगभग 300 यात्रियों से भरे इस जहाज के इंजन में अचानक खराबी आ गई और फिर स्टीमर का इंजन बंद हो गया, जिसके बाद भारी पानी के बीच ये स्टीमर फंस गया। आलम यह था कि स्टीमर कभी इधर तो कभी उधर लहरा रहा था। साथ आगे बढ़ रही थी जहाज, उसके बाद मशीनरी इसका इंजन जो खराब हो गया और उसके बाद ये फंसने लगा। नाय की तरफ भी सटा, नाविक लोग बांस से खेल करके आटा है, अगर चाहता तो रस्सा फेंक करके उसी किनारे में रोका जा सकता। कहाँ से कहाँ जा रहा था लंच? मनिहारी से साहब। कहाँ पर फंसा, किस जगह पे? मनिहारी घाट जैसे ही छोड़ा, 10 हाथ आटा था कि इंजन बंद हो। तो ये तेज बहाव में लगी है? बहाव में आया, बीच में लगता था कि एकदम मार रहा था, लग रहा था कि डूब जाएगा ऐसा। कितने घंटे से दियरा क्षेत्र में है आप लोग? करीब 3 घंटा हो गया। अभी क्या हुआ? अभी ये जो आया है तो फिर रस्सा से बांध रहा खींचने के लिए। गंगा जी के पानी हम लोग के देह में छुप गया है। क्या लगता है भोला बाबा आपको बचा लिए? भोला बाबा गंगा हमारे बचाए, भोला बाबा हम लोग को जल नहीं लेना था, उसको स्वीकार नहीं था, इसीलिए हम लोग जाने दिया। संजोग हुआ को का हम फंसे बीच में, फंसे तो आज हम लोग डूब जाते। उसका दाम है बहुत करेगा, 100 आदमी उगेगा, उसमें 300 आदमी लौट गया, उसमें भी और एक तो जोड़ लिया, 300 आदमी का 20 मोटरसाइकिल है सामान, उसका क्षमता है। अभी आदमी नहीं लिया बेसी। किस तरह से कर रहा था लंच? ऐसे ऐसे जगमग जगमग कर रहा था, क्या कर ऐसे ऐसे कर रहा था, पानी आ रहा था हम लोग के पे, सब कट सुख रहा था, हम लोग हालत खराब है, हालत खराब है, क्या करें, सब पानी पी पी के गंगा माँ का यही कृपा था, हम लोग घास में जाकर फंसा दिया, ये बीच में रहता तो कोई बचाने वाला हम लोग। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद लगभग 300 से ज्यादा लोगों से भरे जहाज से यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया और गंगा नदी में बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। इस पूरी घटना पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। खराबी आई थी स्टीमर में, उसके बाद स्टीमर फंस गई है साइड में, तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। कुछ लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, कुछ लोग और रह गए हैं, इनको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस मुस्तैद है, प्रशासन भी मुस्तैद है, ठीक है, जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया। एक तरफ बाढ़ का कहर तो दूसरी तरफ उफनती नदियां, लोगों की जान चारों तरफ मुसीबत में है, ऐसे में कुदरत कब रहम करेगी ये देखना होगा। कटिहार से विपुल राहुल, बिहार तक।